तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के एक बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जिन लोगों का नया नया चैनल है या फिर रिव्यू में जाने वाला है या फिर फर्स्ट टाइम कम्प्लीट हो चुका है या होने वाला है या फिर हाल ही में उन्होंने ऑन किया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का मतलब कि अभी ये चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। ये अपडेट उन लोगों के लिए और काफी ज्यादा फायदेमंद ये अपडेट होने वाला है उन लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर दे। गाइस लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमें यूट्यूब में जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने होते हैं तो यूट्यूब का एक रूल रहता है कि पहले हमें 4,000 घंटे करने रहते हैं और उसके बाद 1,000 सब्सक्राइब, मतलब कि दोनों चीजें हमारे चैनल पर होनी चाहिए। अगर 4,000 घंटे और प्लस 1,000 सब्सक्राइबर होंगे तभी हमारा चैनल रिव्यू में जाएगा। उसके बाद वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर हमारा कंटेंट वगैरह सारा कुछ अगर ठीक रहता है तो हमारा चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। बट गाइज पहले एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती थी। मान लीजिए हमने मेहनत करके 1 साल से के अंदर अंदर अगर मान लीजिए 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमारा चैनल रिव्यू में चला जाता है। रिव्यू में जाने के बाद गाइस हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे चैनल का कोई पता नहीं रहता था कि 1 महीने में होगा, 8 दिन में मोनेटाइजेशन होगा या फिर 4,000 महीने लग जाते थे लोगों को। मनोज भाई उनका भी 4 महीने में मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था, ठीक है, वेट करते करते, जबकि उनका कंटेंट भी खुद का अपना था, ठीक है, तो बहुत बहुत टाइम लग जाता था। फाइनली पहले क्या था कि यूट्यूब पे जो काम करने वाले हैं जो चैनल को चेक करते हैं वो बहुत कम थे, तो फाइनली यूट्यूब ने बहुत सारे काम करने जो एम्प्लॉयर है उनको बढ़ा दिया है और अभी अच्छे से बहुत जल्दी हमारे जो चैनल को रिव्यू कर लेते हैं बहुत जल्दी। जैसे मान लीजिए अभी आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा टोटली 5 दिन में मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। पहले क्या था कि अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब का जो आया था एक न्यू अपडेट, उसमें दिया गया था कि आपका चैनल सिर्फ 1 मंथ के अंदर रिव्यू करके आपको जवाब दे दिया जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा। बट उसके बाद 1 हफ्ते का आ गया, अब फाइनली 5 दिन का अपडेट वो आ गया कि 5 दिन के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो गाइज अगर आपका कंटेंट बिल्कुल ठीक है, आपका खुद का जेन्युइन कंटेंट है और जिससे आपको लोगों को फायदा होता है आपकी वीडियो से, तो आपका चैनल का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा चैनल कितने दिन में मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। तो गाइज देखिए, मैंने बनाया था अपना चैनल 22 सितंबर को बनाया था 2018 में, ठीक है, उसके बाद मेरा जो सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे हैं वो कंप्लीट कर लिए मैंने 8 मंथ में, यानी कि मई में मैंने कंप्लीट कर लिए। 22 मई को मेरे टोटली कंप्लीट हो गए थे 4,000 घंटे और 22 मई को ही मेरा चैनल रिव्यू में चला गया। उसके बाद रिव्यू में जाने के बाद गाइस क्या हुआ कि मैंने 1 दिन वेट किया, फ्राइडे का दिन था मेरा जो है थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन मेरा जो चैनल है रिव्यू में गया था और फ्राइडे को मैंने वेट किया। फ्राइडे की रात को ही मेरा लगभग 2:47 में रात को चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। जी हाँ दोस्तों, 3 बजे मैंने देखा, चेक किया अपने फोन को, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया। तो आपका भी गाइस सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल 2 दिन में मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया और यूट्यूब का जो वीक अपडेट है वो सिर्फ आपको 5 दिन का वर्ष 5 दिन का टाइम देता है कि 5 दिन में आपको जवाब दे दिया जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होगा नहीं होगा। अगर आपका चैनल पे आपका कंटेंट खुद का है और अच्छा कंटेंट है और क्वालिटी वगैरह सारी ठीक ठाक है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका चैनल को मोनेटाइजेशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और गाइस मेरा जो खुद का कंटेंट है, सारा कंटेंट मेरा खुद का है और आज तक ही मेरे एक कॉपीराइट तक नहीं आया मेरे चैनल पे, सारा कुछ मैंने मतलब कि मैं क्यों आएगा कॉपीराइट जब मैंने सारा कुछ अपना ही बनाया। तो गाइज अगर आप भी अगर अच्छे से मेहनत करोगे, अपना कंटेंट यूज करो, तो आपको मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद। और वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए कैसे कैसे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या सेटअप, मुझे क्या क्या परेशानियां हुई क्या मोनेटाइजेशन कंप्लीट करने में, वो अपना वॉच टाइम और क्या क्या मैंने किया सारा कुछ बताने के लिए बताऊंगा मैं आपको सारी वीडियो में। अगर चाहते हो कि मैं इन टॉपिकों पे अगर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस शुरू से लेकर एंड तक आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि कैसे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने लगभग 2 साल मुझे यूट्यूब पे हो चुके हैं और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे अच्छे से अपने चैनल को मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।